सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। सितंबर का महीना है और आप हैं घुमक्कड़ भाई दुर्गा साहू के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कहीं ना कहीं अक्सर घूमते रहते हैं और आप लोगों को भी वो नज़ारा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो अभी हैं हम वादियों के बीचों बीच, चारों तरफ हरियाली, खूबसूरत वादियाँ, पहाड़ों के बीच में हैं। हम आ गए हैं धुराधर की यात्रा पर। धुराधर गाँव है जो बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा गाँव है और यहाँ का व्यू जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, देखने लायक है। तो अभी हम आधे रास्ते पे ही हैं, घाट पे हैं, आधा घाट चढ़ाई कर चुके हैं और काफ़ी खूबसूरत व्यू हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो वही हम आप लोगों को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। हरियाली का मौसम है, चारों तरफ हरा भरा पेड़ पौधा, घास फूस, टोटल हरियाली ही हरियाली दिख रही है। तो आप लोग भी इस मनोरम दृश्य का नज़ारा देखिए और लुत्फ़ उठाइए, मज़े लीजिए। और अगर आपको समय मिले तो आप भी यहाँ पर ज़रूर आइए। और इसके बाद जो है आप लोगों को लेकर चलेंगे धुराधर, जो एक छोटा सा गांव है, काफ़ी खूबसूरत गांव है, वहां से भी काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत व्यू पॉइंट बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे और आप लोगों को व्यू पॉइंट दिखा रहा हूं। तो आप लोगों ने देखा साथियों, हम लोग शहर से काफ़ी दूर शोरगुल
और भागा दौड़ी की जिंदगी से दूर आ गए हैं। लगभग शहडोल से 45 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंच गए हैं गांव धुराधर। ये आप लोगों ने भी रास्ते में देखा, छोटे छोटे बच्चे और मुर्गियां घूम रही हैं और छोटा छोटा घर है, कच्चा मकान है। और अभी हम लोग आ गए हैं गांव के एंड में। यहाँ काफ़ी खूबसूरत व्यू पॉइंट है। दोस्तों अभी हम जिस जगह पे बैठे हैं आप यकीन नहीं कर सकते, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा अनुभव है। अगर आप लोगों को अनुभव करना है, थोड़ा सा महसूस करना है कि इस जगह की शांति, चिड़ियों का चहचहाना और पानी की आवाज़, तो आप ज़रा गौर से सुनिएगा। मैं आप लोगों को पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ। एक किनारे से दूसरे किनारे तक दोनों छोर केवल और केवल वादियों से घिरा हुआ है, छोटे छोटे पहाड़ हैं, पूरा हरा भरा माहौल है, काफ़ी खूबसूरत मनमोहक दृश्य है। तो आप लोग भी शांति से सुनिएगा और देखिएगा। तो आप लोगों को ये खूबसूरत दृश्य और ये खूबसूरत गांव आप लोगों को कैसा लगा, ये वादियाँ और ये नज़ारे? अगर आप लोगों ने बहुत अच्छा महसूस किया है, फील किया है इस शांत वातावरण और इस माहौल को, तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ऐसा ही खूबसूरत नज़ारे जो है मैं आप लोगों को आए दिन दिखाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।